हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग। इसे इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अब तक जितना हमने प्रोग्रामिंग सीखा है, इसके अंदर हमने बेसिक ऑपरेशन देखे हैं, ऑपरेटर्स देखा है। लेकिन अगर कोई चीज़ मुझे रिपीटेटिव लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंजीनियर्स अकेडमी, एक बार लिखने के लिए मैं प्रिंट एफ का इस्तेमाल करके इसको लिख रहा हूँ। ये मुझे 10 टाइम्स लिखना है, सेम ऑपरेशन मुझे 10 टाइम्स करना है। सो मुझे ये 10 टाइम्स प्रिंट करना होगा। सो अभी ये मैंने 10 बार इंजीनियर्स अकेडमी लिखा और इसका आउटपुट देखते हैं। सो 10 बार इंजीनियर्स अकेडमी प्रिंट हो जाएगा। सो ये मैंने 10 टाइम्स सेम ऑपरेशन किया है, यानी कि रिपीटेटिव टास्क मैंने इस प्रोग्राम में किया है। सो इसे हम कहेंगे कि रिपीटेटिव टास्क अगर करना है सी प्रोग्रामिंग में, सो मैनुअली आप कर सकते हो। एक और मेथड है जिसके थ्रू आप इसे सॉल्व कर सकते हो, जिसे कहा जाता है लूप या फिर इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। लूप यानी कि रिपीटेटिव टास्क मुझे कुछ सर्टन लिमिट तक करने हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे प्रिंट करना है 1 to 10। सो मैं इंट एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसके अंदर 1 डाल देता हूँ। सो इसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से और मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है। सो यहाँ पर लिख देते हैं स्लैश एन परसेंट डी एंड ए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, सेकंड में ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 कर देता हूँ। इसको आप ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 लिख सकते हो, इसको ए प्लस इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो, या फिर ए प्लस प्लस भी लिख सकते हो। ठीक है, सो ये तीनों चीज एक ही है। इसको मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट। अब ये कब तक करना है हमें? इनिशियलाइजेशन मैंने किया है 1 से एंड इसको खत्म कब करना है? जब ये 10 हो जाए। सो मुझे यही स्टेटमेंट 10 बार जब मैं करूंगा तो 1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2, 2 की वैल्यू 3। इस तरह मुझे 10 बार इसको रिपीट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ। अब ये मेरा 1 to 10 प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट देखते हैं। वन टू टेन प्रिंट हो गया। सो ये एक मेथड था जिसके हेल्प से हम सी प्रोग्रामिंग में अब तक प्रोग्राम कर सकते थे, जिसमें रिपीटेटिव टास्क अगर आपको करने हैं सो इस तरह से कर सकते हो। लास्ट जो एग्जांपल था मैंने बताया रिपीटेटिव टास्क, ये जो है ये कुछ फ्लो है। 1 to 10 इज फ्लो। सो 1 से 10 तक वैल्यू यहाँ पर होने वाला है। सो ये रिपीटेटिव तो है टास्क, लेकिन प्रोग्रामर के लिए आउटपुट अलग अलग ही आने वाला है। सो इसको हम बोल सकते हैं इटरेशन। सो ये मैंने 10 इटरेशन किया है, हर इटरेशन के बाद वैल्यू चेंज हो गई है। सो फॉर रिपीटेटिव टास्क कुछ सर्टन टाइम के लिए या सर्टन लिमिट तक करना है आपको, ये मल्टीपल इटरेशन करने हैं, तब आप इस तरह मैनुअली कर सकते हो। अभी प्रॉब्लम ऐसा है, ये तो मैंने आपको बताया 1 से 10 प्रिंट करना है। यूजर अगर चाहता है कि इसे n टाइम्स तक प्रिंट करना है, यानी कि 1 से 1000 तक उसको प्रिंट करना है, तो आपको ये 1000 बार लिखना पड़ेगा। अब ये कॉम्प्लिकेट करता है इस प्रोग्राम को। अब इस कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए एक हमें मेथड मिला है सी के अंदर, जिसको बोलते हैं हम लूप। अब ये लूप का एग्जैक्टली कैसे इस्तेमाल करेंगे, कौन से टाइप्स है और उसके क्या रूल्स है, ये हम डिटेल में समझने वाले हैं। सो ये वही एग्जांपल है जिसमें मैंने मल्टीपल इटरेशंस किए हैं। सो आप ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 से भी कर सकते हो, प्लस प्लस ए से भी कर सकते हो, और मैंने एग्जांपल में दिखाया ए प्लस प्लस से भी आप कर सकते हो। सो तीनों मेथड से आपका आउटपुट सेम आएगा। सो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि अगर मल्टीपल इटरेशन करने हैं, ये बार बार लिखना पॉसिबल नहीं होगा अगर बहुत सारे इटरेशन है,
तो इसे सॉल्व करने के लिए जो लूप आपको एक टूल मिला है सी के अंदर, इसे कैसे इस्तेमाल करें। सो सी के अंदर आपको तीन टाइप के लूप मिलते हैं, एक है व्हाइल, एक है डू व्हाइल और एक है फॉर। सो हम एक एक करके तीनों को समझेंगे। छोटा सा डिफरेंस है तीनों के अंदर, उस डिफरेंस को कब यूज करना है कब नहीं करना है हम इसको प्रोग्रामिंग करते समय समझ लेंगे। सो तीनों के सिंटैक्स इस तरीके से है, व्हाइल और ब्रैकेट में लिखा है मैंने एक्सप्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो कंडीशन। सो व्हाइल और ब्रैकेट मतलब ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ये फंक्शन काम किस तरह करता है, अगर इस फंक्शन की वैल्यू फॉल्स है तो फिर ये ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, और जब ये कंडीशन या एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है तब ये रुक जाएगा। ठीक है, सो इसे हम प्रोग्राम करके समझने वाले हैं। अभी ये जस्ट सिंटैक्स आपको बता रहा हूँ। सो व्हाइल लूप का सिंटैक्स है व्हाइल एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट, जब ये कंडीशन ट्रू होता है ये इसके अंदर जाना रोक देगा। इफ एंड एल्स हमने देखा था लास्ट चैप्टर में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियोस देख लीजिए जिसमें मैंने डिटेल में डिसीजन मेकिंग चैप्टर बताया है, इफ एल्स स्विच ये सीखा है। सो यहाँ वहाँ क्या होता था, इफ के अंदर जो कंडीशन है अगर वो ट्रू होता था तब ये स्टेटमेंट प्रिंट होता था, अगर वो फॉल्स होता था तो ये बॉडी के अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट होता ही नहीं था। यहाँ पर उल्टा है, व्हाइल के जो कंडीशन है एक्सप्रेशन है जब तक ये ट्रू नहीं होता तब तक ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, सेम डू व्हाइल में है, डू व्हाइल में एक छोटा सा डिफरेंस आपको दिखाई देगा, इसमें पहले मैंने डू लिखा है एंड लास्ट में मैंने व्हाइल लिखा है। सो ये व्हाइल के बाद यहाँ सेमी कॉलन भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हम सेमी कॉलन भी डाल देंगे, और ये कब रुकेगा, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सेम फॉर लूप, फॉर लूप में आप एक ही लाइन में तीनों चीज कर सकते हो, कौन सी तीन चीज। आप जब लूप सीखोगे आपको तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ए के अंदर वन डाला है, सो ये स्टार्ट होगा वन से और एंड होगा जब तक मैं चाहूँ। सो मैं कंडीशन में क्या डालूंगा कि मुझे जब तक ये 10 नहीं हो जाता तब तक वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। सो सबसे पहली चीज जो होती है उसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन, सेकंड आपका कंडीशन, कंडीशन क्या है जब तक 10 नहीं हो जाता, और ये होने के बीच में आपको 10 होने के लिए ए को क्या करना पड़ेगा, 10 बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सो ये इटरेशन 10 बार होनी चाहिए तब ये कंडीशन ट्रू होगा। सो इसके लिए आपको ये कंडीशन डालनी पड़ेगी, यहाँ पर 5 लिया है तो ए लेस देन इक्वल टू 5, जब ये 5 हो जाएगा ये जो लूप है ये रुक जाएगा, और इंक्रीमेंट करना है आपको जब तक ये 5 नहीं होता। सो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, या फिर मैं इसे बोलूंगा फ्लो। सो इनिशियलाइजेशन करना है, कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होता तब तक करना है, एंड जब ये कंडीशन ट्रू कब होगा, जब ये वैल्यू आप इंक्रीमेंट करोगे। अगर आपको ये समझने में दिक्कत आ रही है तो इसको एक रियल टाइम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये है प्रतीक, अभी इसे ऑफिस से जाना है घर। सो इसे ऑफिस से घर जाने के लिए सबसे पहले गाड़ी में बैठना पड़ेगा, गाड़ी स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड इसके बाद इसे ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, सो सबसे पहले ये क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा यानी कि गाड़ी स्टार्ट करेगा, इसके बाद इसका डेस्टिनेशन वो चूज करेगा जाना कहाँ है। अगर क्लूलेस कहीं पर भी निकल गया तो वो घर पे नहीं पहुंचने वाला, उसको उसी रूट पे जाना पड़ेगा जहां पर घर है। सो ये इनिशियलाइज कर दी गाड़ी उसने, स्टार्ट कर दी, अभी उसे घर जाना है। घर जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को चलाना पड़ेगा, मूवमेंट में लाना पड़ेगा, उसको फ्लो में लाना पड़ेगा। सो ये ड्राइव करेगा तब ये डेस्टिनेशन पहुंचेगा। सो इसे पता है इसका लूप कब खत्म होगा, जब ये घर पहुंच जाएगा, और इसके लिए आपको उसे गाड़ी स्टार्ट करना पड़ा, ड्राइव करना पड़ा, एंड देन वो घर पहुंचेगा। तो इसे हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। जो कंडीशन है उसकी वो है टू रीच होम, यानी कि
अनलेस द कंडीशन मैचेस, ये गाड़ी चलाते ही जाएगा, और जब इसका कंडीशन मैच हो जाएगा तब ये यहाँ पर पहुँचेगा। सो कंडीशन मैच कब होगा? जब ये गाड़ी चलाएगा, अगर गाड़ी चलाए नहीं तो ऑफिस में बैठा रहेगा। सो इस तरह से ये लूप चलता है, और ये तीन आपको चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी होगी। अगर आप तीनों में से कुछ भी भूल जाओगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अब यही चीज़ हम इस प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। सो इस प्रोग्राम में मैंने इनिशियलाइजेशन तो कर दिया है और फ्लो भी डाल दिया है A++। अभी मुझे 10 बार करना है, 20 बार करना है, ये मैं कंट्रोल करूँगा विद द हेल्प ऑफ इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। सो इनिशियलाइजेशन हो गया, फिर इंक्रीमेंट हो गया। कब तक करना है इंक्रीमेंट? जब तक ए की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वाइल। सो वाइल फर्स्ट टाइप ऑफ लूप है, और इसका इस्तेमाल हम पहले सीखेंगे, फिर डू वाइल एंड फिर फॉर। सो वाइल के अंदर ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में मुझे एक्सप्रेशन या कंडीशन डालना है। सो एक्सप्रेशन में क्या डालूं? जब ए की वैल्यू 10 हो जाए तो ये लूप प्रिंट करना रोक दे। सो ए के अंदर जब 10 हो जाए, लेस देन 10 अगर आप डालोगे तो 9 पे रुक जाएगा, लेस देन इक्वल टू करोगे तो ये 10 पे रुकेगा। सो ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, सो 10 पे रुकने है, हमें 10 भी प्रिंट करना है। सो लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू 10 किया तो ये भी प्रिंट होगा 10, एंड देन ये रोक देगा। अब इसका मैं एक बॉडी बनाता हूँ, और बॉडी के अंदर ये मैं डाल देता हूँ। सो प्रिंट एफ परसेंट डी, और ए की वैल्यू प्रिंट करना है, और उसके बाद इंक्रीमेंट करना है। सो यहाँ पर मेरा सेकेंड स्टेप होगा, वो है कंडीशन या एक्सप्रेशन, एंड यहाँ पर नीचे रहेगा मेरा फ्लो। सो ये उल्टा अगर आपको प्रिंट करना है तो आप ए माइनस माइनस करोगे तो उल्टा प्रिंट होगा, अगर आप प्लस प्लस करोगे तो प्लस होगा, अगर आप माइनस से स्टार्ट करोगे यहाँ पर माइनस वन करोगे सो माइनस वन टू जीरो आएगा सबसे पहले, एंड देन उसके बाद वन टू टेन प्रिंट होगा, तब ये होने वाला है। सो एनीवेज इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं, अभी हम सिंपल प्रोग्राम कर रहे हैं। ए की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज किया है 1, और जब तक ये 10 नहीं होता तब तक मुझे इंक्रीमेंट करना है। सो सबसे पहले इसका फ्लो देख लेते हैं। पहले तो 1 है, यहाँ पर पहले आया इस लाइन पे, चेक किया ए क्या 10 से छोटा है या फिर इक्वल टू 10 है, छोटा है लेकिन इक्वल टू 10 है कि है क्या। सो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स होता है, फॉल्स होने के बाद मैंने बताया था ये फॉल्स अगर है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है अंदर के। सो ये फॉल्स है तो ये अंदर का प्रिंट हुआ, एंड देन उसके नेक्स्ट लाइन पे इसकी वैल्यू मैंने इंक्रीमेंट कर दी। इंक्रीमेंट जैसे ही कर दी, ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर जैसे ही आता है ये फिर से कंट्रोल भेज देगा स्टार्टिंग पे, मतलब इनिशियलाइजेशन में। अगर मैंने इसके नीचे प्रिंट कर दिया कुछ, प्रिंट एफ थैंक यू, तो ये थैंक यू तभी प्रिंट होगा जब मेरे सारे इटरेशन खत्म हो जाएंगे। जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होता, ये इस ब्रैकेट के बाद में जो लाइन है वहां पर कंट्रोल जाता ही नहीं है। सो यहाँ पर सबसे पहले होगा 1 प्रिंट, फिर उसके बाद लूप फिर से आया, यहाँ पर अभी ए के वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ पर हो गया 2। सो 2 होने के बाद फिर से ये प्रिंट एफ प्रिंट होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, और ये बॉडी फिर से डाल देगा वाइल लूप कंडीशन चेक करने के लिए। अभी फिर से कंडीशन चेक होगा, यहाँ पर है 3, सो 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन फिर से फॉल्स होता है, फिर से ये प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर से ये बॉडी डाल देगा वाइल लूप के अंदर, सो वाइल लूप का कंडीशन फिर से चेक होगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये भी फॉल्स है, फिर से प्रिंट होगा, 5 इज लेस देन इक्वल 10, फिर से फॉल्स है, 5 प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट हुआ, 7 प्रिंट हुआ, 8 हुआ, इसके बाद 9, एंड 9 के बाद ये हो गया 10। सो ये लेस देन और इक्वल टू मैंने डाला है 10। सो 9 के 9 में भी ये रुकना चाहिए, लेकिन मैंने इक्वल टू डाला है इसलिए ये
10 पे रुक जाएगा, 10 जैसे ही होता है पहले प्रिंट करके ये यहाँ पर थैंक यू प्रिंट कर देगा। सो इसका आउटपुट जैसे हमने अभी नरेट किया है उस तरह से आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। सो थैंक यू प्रिंट होगा आफ्टर 10। सो ये ऐसे ही आउटपुट आना चाहिए। सो 1 to 10 हुआ एंड 10 के बाद आ गया थैंक यू। सो इस तरह से लूप का इस्तेमाल हम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियर्स एकेडमी का चैनल एंड शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो सीरीज। थैंक यू।